नेक्स्ट न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। आज उस बड़े मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे, शराब आबकारी नीति को लेकर के, जिस पर दिन रात कह सकते हैं कि बहस जो है दोनों ही पार्टियों के बीच हमें देखने को मिलते हैं। आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को लेकर एक दूसरे के खिलाफ पक्ष भी रखते हैं और ये बताने की भी कोशिश करते हैं जनता के प्लेटफॉर्म से कि ये पूरा का पूरा मामला एक षड्यंत्र के तहत जो है वो लिखा गया है और उसको अमल में लाया जा रहा है। ईडी सीबीआई को उस काम पर लगाया गया है। हालांकि ये आरोप है, हम इसकी पुष्टि नहीं करते, चूँकि लगातार इस पूरे मुद्दे को लेकर के राजनीति भरपूर ढंग से की गई है। इसमें किसी भी तरीके की कोई कोताही जो है वो नज़र नहीं आती है। और अब देखिए कि अरविंद केजरीवाल को जो राहत मिली थी लोकसभा चुनाव की वजह से प्रचार प्रसार को लेकर, उसमें वो पूरी तरीके से उसको भुनाने का प्रयास कर रहे थे। वो हर जगह चुनाव प्रचार प्रसार का हिस्सा थे, रोड शोज कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजे उनके पक्ष में नहीं गए, नतीजे उनके हित में नहीं गए। और इसका मतलब आप समझते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात करें या फिर बिहार की बात करें या दिल्ली की बात करें, ये तमाम राज्यों के जो नतीजे थे वो चौंकाने वाले थे और ठीक उस तरीके से दिल्ली की भी। और साथ ही अभी इस समय इस खास चर्चे के विषय का मतलब ये कि दिल्ली में जो अब विधानसभा का चुनाव होने वाला है, दरअसल इस विधानसभा के चुनाव में कई बड़े उलटफेर हमें देखने को मिल सकते हैं और ख़ास तौर पर इसको लेकर के अरविंद केजरीवाल की चिंता ये बढ़ी हुई है। देखिए, दिल्ली के 7 सीटों पर उनकी जीत नहीं हुई, ये चिंता का कारण उतना बड़ा नहीं है चूँकि वो पहले भी नहीं जीते हुए थे, लेकिन दिल्ली में उनकी सत्ता है, दिल्ली में वो सरकार चला रहे हैं बीते 10 वर्षों से। और ऐसे में अगर इस बार विधानसभा चुनाव में कोई बड़ा खेला हो जाता है और सीटों के तौर पर मामला जो नहीं बन पाता है, तो आप सोचिए कि इसका असर जो है कितने बड़े स्तर पर हमें देखने को मिल सकता है और इसको लेकर के स्थिति जो है वो किस तरीके से बिगड़ती हुई हमें नज़र आ सकती है। फिलहाल अगर देखा जाए दर्शकों, तो ये साफ तौर पर माना जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल जो कि शराब आबकारी नीति मामले में दोबारा से जेल गए हैं, उनकी जमानत के बाद से अब फिर से एक बार जमानत को लेकर के जद्दोजहद कर रहे हैं। उनके वकील लगातार पक्ष रख रहे हैं और ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार उनके खिलाफ जिस तरीके का नैरेटिव, जिस तरीके का माहौल बिल्डअप किया गया है, दरअसल वो राजनीति से प्रेरित है, उसमें सीधे तौर पर राजनीति जो है वो नजर आते हैं। हालांकि इसको लेकर के सवाल तब भी उठते हैं कि आखिरकार अगर इस पूरे मामले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है, तो जाहिर सी बात है कि आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं कर रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने जनवरी के महीने से ही इस पूरे मामले पर अपने पक्ष को रखना शुरू कर दिया था। कार्यकर्ताओं को संबोधन कर रहे थे वो जब, तभी इस बात को गंभीरता से रखते थे और ये कहते थे कि उनकी गिरफ्तारी आने वाले दिनों में हो सकती है, उनको जेल में डाला जा सकता है, और उन्हें इस बात का आभास, इस बात का यकीन जो है वो हो गया था। और इसी वजह से वो पहले से ही अपने कार्यकर्ताओं को आगाह कर रहे थे और उस तरीके से ये बता रहे थे कि आप तैयार रहिए इस लड़ाई को लड़ने के लिए, पीछे नहीं हटेंगे, लगातार संघर्ष करते रहेंगे। इस तरीके से वो इस पूरे मामले को लेकर के उजागर कर रहे थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको ये बात समझनी पड़ेगी, आखिरकार अरविंद केजरीवाल और भारतीय जनता पार्टी में ये राजनीतिक रसाकशी का खेल इतना ज़्यादा गंभीर कैसे बन गया? चूँकि लड़ाई तो जो है छोटे मोटे मामलों से लेकर के शुरू हुई थी, लेकिन ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ जाएगी किसी ने सोचा तक नहीं था। चूँकि देखिए, अरविंद केजरीवाल जो है वो राजनीतिक तौर पर विस्तार जो है अपनी पार्टी का कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों में पार्टी जो फैलती जा रही है, अपना पैर पसार रही है, सीटें जो है उनको मिल रही हैं। तो जाहिर सी बात है, देखिए गुजरात में जब अरविंद केजरीवाल ने, उनकी पार्टी ने चुनाव लड़ा, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर के कई तरीके के सवाल, कई तरीके के प्रश्न पक्ष जो है वो आपको सुनने को मिले थे और वहाँ पर उन्होंने जीत भी हासिल की। हालाँकि बाद में जो कुछ हुआ वो भी आपको पता है, लेकिन सवाल ये कि भारतीय जनता पार्टी के गढ़ में जाकर वहाँ पर जीत हासिल करना, ये दरअसल चुनौती देना जैसा था। हालाँकि विधानसभा चुनाव के बाद की अगर हम बात करें, जो गुजरात विधानसभा चुनाव हुए थे, अब लोकसभा की अगर बात करें, तो उसमें भी कांग्रेस पार्टी ने वहाँ पर कई दशकों के बाद जो है एक सीट जीती है। और इसका मतलब ये कि जनता कहीं ना कहीं ऊब चुकी है, जनता कहीं ना कहीं अब परिवर्तन चाहती है, जनता जो बदलाव चाहती है, चूँकि जनता
को एक तरीके से जो एक खांचे में फिट करके उनको समझाने की और बताने की कोशिश की जाती है कि देखिए गुजरात मॉडल बड़ा है, और यही वजह है कि देश के प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से गुजरात मॉडल की जो है बात करते हैं, और गुजरात मॉडल को लेकर के वो लगातार ये बताने की दिखाने की कोशिश करते हैं कि गुजरात जैसा विकास पूरे देश भर में कहीं पर नहीं हुआ है। हालांकि इन तमाम बातों को लेकर के अब जनता के भीतर भी एक संशय की जो स्थिति है वो पैदा हो रही है दर्शकों, और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में स्थिति बदल रही है। अब आ जाते हैं दिल्ली पर। दरअसल दिल्ली की राजनीति में फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी एमसीडी चुनाव में हारने के बाद, विधानसभा हारने के बाद, लोकसभा जीतने के बाद अब ये चाहती है कि विधानसभा चुनाव में फिर से एक बार जो है वो मजबूत तौर पर उभर करके सामने आए। देखिए दिल्ली में अगर सत्ता भारतीय जनता पार्टी की बनती है तो इसके कई बेनिफिट्स होंगे, इसके कई एडवांटेज होंगे, चूँकि दिल्ली एक तरीके से जो है पूरे राज्य का दर्जा भी नहीं रखती है, और जाहिर सी बात है कि अरविंद केजरीवाल इसी लड़ाई को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर से लगातार लड़ते रहते हैं, भिड़ते रहते हैं, और उसको एक राजनीतिक मुद्दा भी बनाते हैं। ठीक इस वजह से ही इस समय भारतीय जनता पार्टी जो है वो हर मुमकिन कोशिश कर रही है, हर तरीके से प्रयास कर रही है कि किसी भी ढंग से जो है इस प्रदेश को जीता जा सके। हालांकि देश भर के कई राज्यों में उनकी सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, लेकिन दिल्ली की सरकार की कुछ अलग ही बात है। दिल्ली की सरकार में बैठने के बाद जाहिर सी बात है कि उनको कई बड़े बल जो है वो मिलते नजर आएंगे, और ख़ास तौर पर जो यहाँ पर राजनीतिक बड़ी शख्सियत जो मौजूद रहती है उनको लेकर के भी कार्रवाई की भी अगर हम बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं करने में आसानी पैदा होगी। और अब अरविंद केजरीवाल को ये तय करना पड़ेगा कि दरअसल फिर बस की बात हो या फिर अन्य तमाम मुद्दों की बात हो, इस तरीके की स्थिति को लेकर के उन्हें ये तय करना पड़ेगा, उन्हें ये सुनिश्चित करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आखिरकार अब क्या जनता उनके उन तमाम पुराने वादों को लेकर के, उनकी तमाम बातों को लेकर के जनता उनके समर्थन खड़ी होगी, या फिर जनता को भी कुछ नया चाहिए। जैसा कि 15 वर्षों से आप देख रहे थे कि दिल्ली में एमसीडी की सरकार भाजपा के हाथों में थी, लेकिन उसके बाद जनता ने एक परिवर्तन किया, जनता ने एक बदलाव किया और आम आदमी पार्टी को गद्दी पर बिठा दिया। दरअसल इस वजह से भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो परेशान है, हैरान है कि आखिरकार अगर स्थिति इस तरीके से ही चलती रही तो जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में ये उनके लिए और भी बड़ी और कड़ी चुनौती बनकर के सामने उभरेगी। यही वजह है कि अभी से ही भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लगातार जो है इस पूरे मुद्दे को लेकर के स्थिति जो है वो सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं दर्शकों कि इस समय दिल्ली की राजनीति में खासतौर पर सीएम अरविंद केजरीवाल के जेल में बंद होने की मात्र बात नहीं है, बल्कि उनके साथ कई और बड़े चेहरे भी जेल में बंद हैं, और दरअसल इस वजह से ही ये स्थिति जो है वो और ज़्यादा गंभीर बनती चली जा रही है। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जुड़े रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़।